के चलते बहुत सारे पेड़ भी कटे गए हैं। 43 फाइनली ऊपर से चल ही जाएगा गाड़ी, देख सकते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम फिर से आप लोगों को फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की ओर ले चले हैं, और अभी तो अभी हम आप लोगों को लेके आए हैं डोंडा फ्लाईओवर। सो देख सकते हैं अभी इधर पीछे काम भी चल रहा है, और देख सकते हैं कितने बड़े मशीन है भाई। ये मशीन है बड़े बड़े रॉड वगैरह, जो बड़े बड़े मशीन का पार्ट जो होता है उसको उठाने के लिए काम आता है ये मशीन। तो चलते हैं, अभी हम आप लोग को लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए गाइस, देख सकते हैं अभी जब से ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तब से ये बड़ा बड़ा मशीन है यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप का। इधर चल रहा है काम, और इधर भैया लोग अभी लगे हुए काम पर। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये पिलर का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी मसाला वगैरह भराएगा। और हेलो भाई, सो इधर अभी काम चल रहा है और ये अभी चलेगा, इसमें रॉड वगैरह बंधा रहा है और इसमें भराएगा अभी मसाला वगैरह बहुत सारे। एकदम बढ़िया, मस्त है, देख सकते हैं। इसी में अभी भैया अभी काम पे लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये पिलर का काम हो रहा है, पिलर का हो रहा है ना ये पाइल, अच्छा पाइल बोलते हैं, अच्छा ये पाइल है। और पिलर किसको बोलते हैं फिर? हिंदी में पिलर होता है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा पाइल्स, ठीक है। तो देख सकते हैं इसी तरह छोटा छोटा इधर भी आगे भी बना हुआ है। 46 कितने पाइल यहाँ पर? ये 43 से स्टार्ट है। 43 43, 44, 45, 46। अच्छा इधर 44, 45, 46 पूरा आगे गया, पूरा कहाँ तक जाएगा ये? ये आपका जाएगा ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वहाँ तक, वहाँ तक। ओके, परमिशन ले लिए तो यहाँ भैया लोग बोले कि जा सकते हैं यहाँ से किनारे किनारे। ये देख सकते हैं ये भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक जान से बच के जाना है, सिर्फ वाइट टोपी से। तो चलो फिर चलते हैं। पाइल, इतने सारे पाइल, ये 44 पाइल है, 44 नंबर ऑफ 44, वो नंबर ऑफ 45। तो इसी तरह से बहुत सारे, और आगे जो मशीन दिखाए थे वो मशीन इससे उठाने का काम करता है, इस तरह का जो बड़े बड़े लोहे का सामान होता है उसको। और इन लोग का ये रूम है जो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं उन लोग के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं ये पाइल, और इतने सारे ये सारे यूज होते हैं इसी में, ये लोहे का सामान है, यहाँ पर लगने वाला सामान सब है। और ये देख सकते हैं ये किस तरह का मशीन है यहाँ पर, जिसमें ये चक्री लगा पड़ा है। मोटर भी लगा हुआ ऊपर में, ये किसी चीज़ को डिजाइन करने के लिए है या फिर पता नहीं। पाइल में भी अभी काम चल रहा है, इसमें भी उसी तरह से मसाला भराएगा पूरा जोर से। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे पेड़ भी कटाया गया, देख सकते हैं कट गया है। यहाँ ऑलरेडी पेड़ बचाव का यहाँ अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर के चलते बहुत सारे पेड़ भी कटे गए। और ये देख सकते सामने में पड़े से ऊपर में जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ऊपर में ये लगा हुआ है, उस पार्ट को देख सकते, ये बड़े से टेलर में लेके उठा के लेके आए हुए हैं। ये बना बनाया आता है और फिर आके इसको सेट किया जाता है इसी बड़े बड़े टेलर के ऊपर। और भैया ठीक है, मस्त है। इधर से किधर? नीचे से जा, हम नीचे से अंदर जा रहे हैं, देख सकते गाड़ी के नीचे से। और आगे बाहर ये टेलर के नीचे से, और इसी टेलर में ऊपर में लगा हुआ बड़ा सा इस पिलर के ऊपर जो ऊपर का पार्ट है उसको लेके आया गया इस पर। एक और ही खतरनाक वाला गाड़ी है मशीन, जिसमें वो
खड़े होके उसमें कुछ काम कर रहे हैं और जो निकला हुआ रॉड है उसको तोड़ रहे हैं। और इसी तरह से लगेगा सब पिलर में और ऊपर से जाएगा गाड़ी। तो ये गाड़ी देख सकते हैं कितने मस्त है, उसी में चढ़ा हुआ ये लोग भाई। और एक मस्त वाला, बहुत ही खतरनाक वाला ये मशीन यहाँ देखने को मिल गया है, जो बड़े बड़े ऊपर का जो पिलर का जो पार्ट होता है ऊपर का, उसे उठाने का काम करता है ये। इसकी बनावट भी खतरनाक लग रहा है। ये इस गाड़ी में जो चक्के दिख रहे हैं ना, मस्त लग रहा है। बहुत सारे लंबे, इतने लंबा गाड़ी है ये। एक ऊपर कॉपलेन की तरह बना हुआ है और वही काम करता ऊपर का। ये देख सकते हैं ये बहुत मस्त है, ये घूमता है। इसको पहले यहाँ पर नीचे अच्छी तरह से पूरा जाम जैसे कर दिया है। हाँ कैसे, बढ़िया। तो ये गाड़ी भी बहुत खतरनाक लग रहा है। गाड़ी का लुक भी देख सकते हैं गाइस, बहुत मस्त है। ऊपर ये ऊपर तक, बहुत ऊपर तक खुल जाता है। बहुत ही अजीब अजीब गाड़ी यहाँ पर, बहुत खतरनाक खतरनाक गाड़ी देखने को मिलता है। जो इसमें लगाने वाला जो ऊपर का जो पार्ट है वो लगाने के लिए इसको ये काम में आता है। सिरम टोली से लेके मैकॉन चौक तक, और इस फ्लाईओवर का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और इधर देख सकते हैं, इधर बहुत दो इसी तरह लग जाएगा सब पिलर में, इस पाइल में। फाइनली ऊपर से चल ही जाएगा गाड़ी, देख सकते हैं ये लग गया ऊपर का पार्ट। कितना मस्त लगेगा ऊपर ऊपर जब गाड़ी चलेगा तो। सो गाइस ये देख सकते हैं सामने में युवराज होटल युवराज, और इधर काम चल रहा है। सामने में है राजेंद्र चौक, और इधर अभी बहुत ज़ोर से काम भी चल रहा है रोड खाली करने के लिए, नहीं तो रोड इसी तरह जाम होता रहेगा। तोड़ फोड़ में किया गया जो स्टेज है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये उठा के इस हाईवे पर डाल रहा है। ये डालने की कोशिश और उठाया, ये डाल दिया। राजेंद्र चौक का तो लुक ही भी ख़राब हो चुका है, कहे कि ये खोद खोद के यहाँ पर लुक ही चेंज हो गया पूरा। ये कितना बड़ा फैला हुआ गोल चक्कर हुआ करता था पहले। सो इसमें अभी मिट्टी वगैरह जितना वेस्टेज है सब यहाँ पड़ा हुआ है। और भाई देख सकते हैं ये है राजेंद्र चौक, इसी में मूर्ति भी लगा हुआ है, मूर्ति को तोड़ा नहीं गया। और इधर भी काम चल रहा है, सामने में उन लोग का घर, एक छोटा छोटा जो भी उन लोग का केबिन जैसा होता है।